अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो वीवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कीमा आलू मटर। और मज़ेदार सा जो सा कीमा मटर आलू है कैसे तैयार होगा, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, एक प्याज डाल दिया, एक टमाटर काट के डाल दिया, एक चम्मच पीसी हुई मिर्च, एक चम्मच नमक पीसा हुआ, तो पौनी चम्मच हल्दी का डाल के ना अब ये मैं पकने के लिए रख देती हूँ। एक टमाटर भी डाला था मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के ना कीमा गलने के लिए रख दूँगी। जब जब भुना जाएगा ना फिर इसमें मटर डालेंगे, फिर आलू डालेंगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही शामिल कर देंगे, मटर भी? नहीं, पहले मटर डालूंगी ना, मटर थोड़े क्योंकि हमारे फ्रीजर के हैं मटर। हाँ जी, थोड़ी सी इनको ज़्यादा देर लगेगी, मैं हांडी रख देती हूं इसलिए। उसके बाद फिर हम लोग जो से हैं वो उसके अंदर आलू शामिल करेंगे। पहले हम लोगों ने मटर डाल लिया, फिर आलू डाल लिया, फिर आपके सामने सब काम कर लेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो से आलू कीमे की रेसिपी, आलू कीमा मटर हम आपको सिखा रहे हैं वो कैसे तैयार है। हाँ जी, ये मैं ना अभी पानी है कीमे में तो अभी भुना नहीं है, मैंने कहा चलो ये मटर ना डाल देती हूँ, बर्फ वाली है ना मटर तो जल्दी ये गल जाएंगे अच्छी तरह। पहले हम लोगों ने व्यूअर्स मटर शामिल किए हैं, इसके अलावा हम लोगों ने आलू भी शामिल करने हैं, लेकिन मटरों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगना था क्योंकि ये फ्रीज़र के थे, इसलिए मम्मा ने इसके अंदर पहले शामिल कर देंगे। इसको कितने देर पकाएंगे हम लोग? तकरीबन 5-10 मिनट पका के फिर आलू डाल के ना भून लेंगे, घी डाल के। हाँ जी, ये मैं आलू डाल रही हूँ, फिर साथ ही ना घी डाल के थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा मटर आज हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा अगर कोई आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। तो उसको मम्मा भूनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब बेटा मैं ना इसमें घी डालती हूँ ना, दूरी तक ये पानी सूख रहा है ना, तो घी डालती हूँ, जीरा भी डालती हूँ इसमें, आपके सामने मैं डालती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह लुक कितना इसका ज़बरदस्त लग रहा है, खिला खिला सा खुश रंग ये लग रहा है। क्योंकि खाना अगर दिखने में अच्छा हो तो टेस्ट में भी बिल्कुल वो अच्छा होता है, और अगर दिखने में अच्छा ना हो या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, कुछ जायका ना हो, तो खाने को भी दिल नहीं करता। तो माशाल्लाह आप उसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये दिखने में। ये मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, अब हम ना इसे भूनते हैं अच्छी तरह, 5 मिनट कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी स्मेल वगैरह ना ख़त्म हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है कि मज़ेदार जो सा आलू कीमा मटर हम लोग तैयार करें इसका फाइनल लुक क्या होगा। ये देखिए अच्छी तरह भुना गया है, अब मैं ना इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जो आलू है ना वो गल जाए। तो पानी डाल के व्यूअर्स को हम पकने के लिए रख रहे हैं, तकरीबन 5-10 मिनट हम इसको पकाते हैं, आलू हो जाएगा और आपको दिखाते हैं। मिर्च अदरक भी मैंने डाला इसमें। वाओ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं, और माशाल्लाह ये अब मतलब फाइनल हो गया। हम लोगों ने लास्ट में इसको भी आ गया इसके ऊपर धनिया हरी मिर्च डाल के गार्निश किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डोसा हमारा कीमा आलू और मटर की रेसिपी है वो तैयार हो गई है। हम निकाल के दिखाते हैं। तो भी इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बबल्स बने हैं, बबल्स बनने का मतलब ये है कि जो सी हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो गई है। तो इसको बस आप अब निकाल के व्यूअर्स को दिखा दें। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी आज की रेसिपी है कीमा मटर आलू बिल्कुल फाइनल हो गई है, और ये है इसका फाइनल लुक। घी भी जो सा है वो आ गया है, और आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी जो सी हमारी रेसिपी है वो तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।